हालत देख लो क्या है। अगर ये वेदर कंडीशन अगर नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए चले ना, तो बहुत लोग को तकलीफ होने वाला है। गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस मैं हूँ आपका शुभंकर, एक नया फ्रेश व्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा सुबह तो हो गया, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे। तो गाइस अगर वेदर कंडीशन का हालत बहुत ख़राब है, हम लोग दुर्गापुर में रह के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग लकी है कि हम लोग दुर्गापुर में हैं, क्योंकि दुर्गापुर थोड़ा ऊंचा एरिया में आता है। बेसिकली ये दुर्गापुर, सपोज पकड़ लो कि ये दुर्गापुर है, तो ये दुर्गापुर है तो थोड़ा नीचे कोलकाता रहेगा और इस साइड थोड़ा नीचे आसनसोल रहेगा। क्योंकि बाकी इंडिया, पूरा होल इंडिया का भाई हालत एकदम ख़राब है। बिहार का हालत ख़राब है, मुंबई का हालत ख़राब है, बेंगलोर का हालत ख़राब है एकदम। मतलब घर में, इनफैक्ट हमारे कोलकाता में मतलब पानी हर जगह घुस गया है। मेरे मौसी रहते हैं कोलकाता में, वो टीवी न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ कि मतलब घर में अंदर, बिल्डिंग का अंदर तक पानी चले जा रहा है। मतलब हालत एकदम ख़राब हो गया। अगर 2 दिन में अगर ये बारिश नहीं छूटा ना, तो लोगों को भाई बहुत तकलीफ होने वाला है। इनफैक्ट बाय द वे, सो मैं प्रैक्टिस से आता हूँ एज ऑलवेज, प्रैक्टिस से आके आप लोगों के साथ मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैं प्रैक्टिस से वापस आ गया हूँ। राइट नाउ द टाइम इज ऑलमोस्ट 9:35 इन द मॉर्निंग। सो अभी मैं करूँगा ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है ये देख लो। आज ब्रेकफास्ट में है, ब्रेड है हमारे साथ, बटर है हमारे साथ, और है 3 अंडा। ये एग आज मैं इसको बॉयल नहीं खाऊंगा, आज इसका कुछ करेंगे, मतलब ऑमलेट भी नहीं बनाऊंगा, पोज भी नहीं बनाऊंगा, उसका बीच का जो है वो करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या बना रहा हूँ मैं। उसके साथ अपना ब्लैक कॉफी रेडी है, चलो लेट्स गो। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, थोड़ा सा ऑयल इसे हिला लो, ब्रेड में मस्का लगा दिया है। अब इसको ऊपर थोड़ा सा बटर काटती का नहीं, थोड़ा सा बटर, कुछ नहीं करने का है, ऐसे अंडे को लेना है और बस डाल देना है और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा गिर गया इधर, अब मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30 बजने को चला है, इट्स 10:20। मुझे टाइम के साथ कोप अप करना है, मुझे अब थोड़ा जल्दी में करना है। तो मिलता हूँ आपको सीधा गाड़ी में, मतलब मैं दूसरे घर पे जाता हूँ, गाड़ी निकलता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। क्योंकि घर में कोई नहीं है, मम्मी गया है बाजार में, मुझे घर लॉक करना है, मास्क पहनना है, फिर निकलना है जल्दी, टाइम के साथ कोप अप करना है। तो मिलता है आपको गाड़ी में जल्दी से। तो मैं गाइस अभी आया हूँ सिटी सेंटर पे, BSNL ऑफिस पे। वो देखो पीछे मेरा है BSNL ऑफिस। तो यहाँ पर एक टेलीफोन है हमारे घर पे, वो मैं सरेंडर करना है, मतलब सबमिट करना आया हूँ। तो यहाँ पर नहीं हुआ, वो लोग बोल रहे हैं कि स्टील एक्सचेंज जाना पड़ेगा। स्टील एक्सचेंज है हमारे उस तरफ, मतलब टी बिल्डिंग, मुझे वापस बैक करके जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं वहाँ पर जल्दी से। मैं आ गया हूँ अभी स्टील एक्सचेंज के ऑफिस में। ये देखो पीछे देख सकते हो आप लोग, ये देखो ये है स्टील एक्सचेंज का ऑफिस BSNL का। काम हाफ हुआ हाफ नहीं भी हुआ ये आप कह सकते हो। कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को वॉश करने के लिए ले जाओ। तो वॉश करने से पहले थोड़ा सा आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये सब चीज़ जो आप लोग देख रहे हो, ये सब वॉशिंग में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो नीचे जितना पे मैट्रिक्स है उसको निकालेंगे। उसको निकालने के बाद थोड़ा बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा डस्ट वगैरह निकाल लेंगे, क्योंकि वॉश में पर्टिकुलर से वैक्यूम से नहीं क्लीन होता। तब हम जाएंगे ये करेंगे, उसके बाद वॉशिंग सेंटर पर आपको मिलता है। Oh,
गाइस होम पे आ गया, गाड़ी गैरेज कर दिया। तो ये जो आपको बम्पर दिख रहा है ना, ये भाई बहुत ही बड़ा है। मतलब इसको इस बम्पर को क्रॉस करना मतलब बहुत मेहनत लगती है। दिखने में छोटा दिख रहा है लेकिन आराम से एक डेढ़ फुट का होगा और स्टीप है, स्लोपी नहीं है। तो अभी चलते हैं घर पे, वहाँ पर जाके वीडियो एंड कर देंगे चलो, और डिटेल्स में बताएंगे कि क्यों गाड़ी वॉश नहीं हुआ। सो गाइस मैं अपना घर आ गया हूँ, अभी बज रहे दोपहर के 1:30 बजे और थैंक गॉड कि घर आ गया हूँ। अभी बादल देखो क्या हो गया, पूरा काला काला हो गया, मतलब तूफानी बारिश आने वाला है। अरे भाई ये मास्क पहन के ना ज़्यादातर बात नहीं करा जाता, चुप रहना पड़ता है तो अच्छा है, बात करो तो भाई इसको नीचे कर दो। सो गाइस तो काम 50-50 हुआ। 50-50 हुआ मतलब जो टेलीफोन के बारे में मैं बोल रहा था, मैं BSNL ऑफिस क्यों गया था, मैं BSNL ऑफिस इसलिए गया था क्योंकि हमारे पास दो टेलीफोन रहते हैं, एक हमारे शॉप पे रहते हैं, एक हमारा दूसरे घर पे रहते हैं। तो दूसरे घर पे जो शॉप का जो टेलीफोन है, शॉप का टेलीफोन तो यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पर कॉल वगैरह आता भी है जाता भी, लेकिन जो घर का जो टेलीफोन है वो कोई यूज़ नहीं करता, उसको उसका सिर्फ कॉल आता है लेकिन जाता नहीं है। सिर्फ मतलब क्या बोलूँ, टेलीफोन टू टेलीफोन अगर कॉल किया तो फिर जाएगा, अगर अदरवाइज नहीं जाएगा। तो खामा का बिल आता रहता है। तो मैं हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो टेलीफोन सरेंडर करने के लिए पेपर्स रेडी कर लिया आज, और तो उन लोग ऑफिस गया, BSNL ऑफिस, आप लोगों ने जो देखा। तो वो लोग थोड़ा और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला, वो हम लोग मंडे को जाएंगे। और उसके बाद मैं वॉशिंग सेंटर गया, कार वॉशिंग सेंटर में क्या हुआ कि दो कार वॉश हो रहे थे और इतना लेबर्स नहीं थे, आदमी नहीं थे कि मेरा काम कर सके, स्टार्ट कर सके। तो दो गाड़ी था, एक इनोवा था, एक सेंट्रो था, वो काम ख़त्म करते करते शायद उन लोगों का 1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद बोला कि मेरा काम पकड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है छोड़ दो, मैंने रेट वगैरह जान लिया है, तो शायद मंडे या ट्यूसडे मैं जाऊँगा, उसका एक अलग से व्लॉग आएगा। और उसी के साथ गाइस मैं अभी घर आ गया हूँ, अभी मैं नहाऊँगा, बहुत टायर्ड हो गया हूँ, पसीना पसीना हो गया है, अभी मैं नहाऊँगा। उसके बाद मैं लंच करके सो जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठाऊँ। और चलो गाइस मैं व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू एंजॉयड दिस व्लॉग फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट करना। नया वीडियो जल्दी आ जाएगा, प्रोबेबली इस वीडियो को अपलोड करने के बाद प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे को नया वीडियो आ जाएगा। चलो गाइस उसी के साथ मैं शुभंकर लाइफस्टाइल टिल देन साइनिंग ऑफ, राइड सेफ, स्टे सेफ, और घर पे जरूर रहना प्रोडक्शन लेके, एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर मास्क। चलो बाय बाय।